के लिए पूरी कमेटी इनको तहे दिल से धन्यवाद करती है। इनके साथ सर्विस यहाँ पे भैया बॉल रोक ले तुरंत तत्काल लाइव चलाओ रे थोड़ी देर में बॉल को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करें। अरे मतलब मेरा ही मन है भाई, नेट की पट्टी तोड़ के मानोगे कबड़े भाई। और ये हमारे सबसे बड़े टीम के सहयोगी मिस्टर दीपक राणा क्लब के सहयोगी, इन्होंने अपना कारोबार संभाला हुआ है। हमारी जो कमेटी है, कमेटी के हमारे सदस्य नीरज मिश्रा सुबह से लगे हुए हैं, हमारे नरेंद्र भैया वो भी सुबह से लगे हुए हैं, जो कि खाना पीना कुछ नहीं खाने गए हैं, इन्होंने पूरा योगदान यहाँ दिया है। और हमारे कमेंटेटर मिस्टर साहिल राज ये भी सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं, और सबका बहुत ज्यादा योगदान है इस टूर्नामेंट में। और इसी के साथ सर्विस और सर्विस के साथ में एक पॉइंट बना है, मतलब हो चुका है यहाँ पे सर्विस राणा क्लब की तरफ से, जो पहुंची नेपाल के बूस्टर के हाथों में, बूस्टर ने बूस्ट किया और इसमें से बम फर शॉट लेकिन आउट बॉल। इसके साथ फायदा होता है राणा क्लब को, जो कि दो पॉइंट हो चुके हैं राणा क्लब के। और सर्विस राणा क्लब की तरफ से आसान सी सर्विस जो कि पहुंची बूस्टर के हाथों में, बूस्टर ने बूस्ट किया और फिर पांच नंबर के इसमें सर ने जोरदार प्रहार करके एक पॉइंट अर्जित कर लिया है अपनी टीम के लिए। 1-2 नेपाल 1 और राणा क्लब 2। सर्विस नेपाल की तरफ से राणा क्लब के प्लेयर से थोड़ी सी मिस्टेक हुई लेकिन आसानी से क्रॉस कर दिया है वापस गेंद को। फिर आ गई है यहाँ पे ये गेंद और बढ़िया स्मैश गई है यहाँ पे ये गेंद और बढ़िया स्मैश राणा क्लब के मक्खी के द्वारा। तीन पॉइंट हो चुका है, जैसा नाम वैसा काम। बहुत ही बढ़िया स्मैश और उतना ही अच्छा डिफेंस, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी चूके। 2-3 नेपाल के 2 पॉइंट हो चुके हैं और राणा क्लब 3 पॉइंट। धीरे धीरे बढ़त बनाते हुए नेपाल की टीम भी, सर्विस नेपाल की टीम की तरफ से जो पहुंची राणा क्लब के बूस्टर के हाथों, बूस्टर ने बूस्ट किया और लेफ्टी ने इसमें सर ने हल्का सा ड्रॉप किया लेकिन वापस मुंह की खानी पड़ी उसको नेपाल के प्लेयर ने। वापस बॉल राणा क्लब के उसमें कोड में गिरा दी है और दोनों ही टीमें बराबरी पे पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे आसान सा पॉइंट ले गई यहाँ पे नेपाल की टीम। एक पॉइंट की बढ़त बना चुकी है यहाँ पे नेपाल की टीम, 4 पॉइंट हो चुके हैं नेपाल के और 3 पॉइंट पे है राणा क्लब। आसान सी सर्विस और बहुत ही बढ़िया स्मैश लेकिन दिशा नहीं दिखा पाए इस वजह से 5 पॉइंट हो चुके हैं नेपाल के, 3 पॉइंट पे रुक गई है राणा क्लब। रेफरी के विसिल के साथ में सर्विस और जो कि पहुंची राणा क्लब के कोर्ट में, बूस्टर ने बूस्ट किया, इसमें सबने हल्का सा ड्रॉप किया लेकिन चकमा देने में डबलिंग हो चुकी है यहाँ पे हमारे रेफरी, जिन्होंने इसकी सूझबूझ से देखा। राणा क्लब को एक पॉइंट और मिलता हुआ, फाइव ऑल हो चुकी है, दोनों ही टीमें 5 ऑल पे खेल रही हैं और बूस्टर ने चालाकी तो बहुत की थी लेकिन उस चालाकी का भरपूर फायदा मिला नहीं, जो कि राणा क्लब के जो बंदे हैं स्मैशर हैं, बहुत डिफेंसर भी बहुत चुस्त दुरुस्त हैं। और इसी के साथ एक पॉइंट बढ़ता हुआ यहाँ पे राणा क्लब का, की तरफ से आसान सी सर्विस और सर्विस पहुंची एक प्लेयर के पास जिन्होंने हल्का सा वो किया है लेकिन
बहुत ही बढ़िया स्मैश राणा क्लब का। ये कैलाली नंबर 7 कदम छोटे लेकिन जब ये जंप लेते हैं तो अच्छे अच्छे प्लेयरों को पीछे छोड़ देते हैं। 6 ऑल बहुत ही तगड़ा प्रहार, उतना ही तगड़ा ब्लॉक और वापस बूस्टर के पास गई। नेपाल के बूस्टर ने बूस्ट किया और इसमें सन्ने चेक आउट का डिसीजन। अरे भैया आराम से थोड़ा। सर्विस नेपाल की तरफ से 7-6। अगर जो कोई निर्णय होता है अपनी, क्योंकि सामने बहुत बढ़िया खास बात है, 7 ऑल हो चुके हैं और यही खास बात हमारे नेपाल के प्लेयरों में भी है। हमारे बाएं हाथ पर जो खेल रही है वो नेपाल की टीम है, हमारे दाहिने हाथ के कोर्ट में जो खेल रही है वो राणा क्लब। आ गया ऋषि गर्दन जो रोड गई। बहुत ही बढ़िया स्मैश और यहाँ पे एट ऑल, दोनों ही टीमें बराबरी पर खेलती हुई। अरे ऋषि गर्दन जो रोड गई है। बहुत ही बढ़िया स्मैश राणा क्लब के द्वारा देखा गया। 9-8 कमेटी के सदस्य से अनुरोध है कि थोड़ा सा कुर्सी प्रोवाइड करवा दें हमारे जो मेहमान आए हुए हैं। नाइन ऑल कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लाइनमैन कितनी बार कहा कि आंखें खुली और बढ़िया स्मैश राणा क्लब के द्वारा। 10-9 आर्यन शर्मा जो कि हमारे कमेटी के बहुत ही होनहार कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरे दिन अपना सहयोग देकर हमारी कमेटी को अच्छा समय दिया है, हमारा कारोबार पूरा संभाला है, जिसके लिए पूरी कमेटी इनको तहे दिल से धन्यवाद करती है। 11-9 तो और इसी के साथ चेक आउट मार के एक पॉइंट अर्जित किया है नेपाल की टीम ने। 10-11 पॉइंट हो चुके हैं नेपाल के और 11 पॉइंट हैं राणा क्लब के। बढ़िया शॉट मक्खी का लेकिन इन है बॉल। अच्छा स्मैश उतना ही तगड़ा, धीरे धीरे टूर्नामेंट में बढ़त बनाते हुए राणा क्लब की टीम। बढ़िया बढ़िया गजब का शॉट मक्खी का, चेकआउट मार के इन्होंने एक पॉइंट अर्जित किया है। 14-10 टिक-टिक कारो आरो 14-10 हो चुका है यहाँ पे स्कोर। ब्लॉक पड़े यहाँ राणा क्लब के पास। 15-10 किसी भी स्मैशर को ये
जिन्हें नहीं दे रहे हैं अपने ब्लॉक से अच्छे अच्छे स्मैशरों को पानी पिला दिया है इन्होंने। सर्विस सर्विस चीन की दीवार के तौर पे माने जा रहा है इनके ब्लॉक। अब स्मैशर स्मैश छोड़ के ड्रॉप पे आ गए हैं। तगड़ा स्मैश और जैसा कि हमने आपको बताया था चीन की दीवार है इनका ब्लॉक 16-10। दोनों ही टीमें वापस ग्राउंड में आते हुए यहाँ करोड़ों की संख्या में दर्शक आ चुके हैं हमारे इस ग्राउंड पे। बहुत ही भयंकर स्मैश यहाँ पे राणा क्लब दिखा रही है। 18-10 बता रहे हैं स्मैशर है राणा क्लब के, इनका नाम है गोटी और फर्स्ट जो स्मैश कर रहा है राइट हैंड से उनको तो आप सभी जानते ही हैं। बॉल भैया बॉल की व्यवस्था करवाई जाए। बहुत ही बढ़िया कोशिश करी यहाँ पे नेपाल की टीम ने 19-11। जैसा कि हमने बताया था दोनों ही टीमें बहुत ही खतरनाक गेम प्ले दिखाती हैं। लाइन बैन चच्चा लग रहा, दिल से टीम मानने लगे हैं। बहुत बढ़िया गेम प्ले दिखाया है यहाँ पे राणा ने।